हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग क्लास। फिर एक और नया वीडियो के साथ आज आप लोगों का वीडियो नंबर 5 आज लेके आए हैं। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने ईमानदारी से अपने कार्यों को कर रहे होंगे। जो रोज़ का रोज़ जो आप लोगों को वीडियो भेजा जा रहा है, इसके बदले में रिस्पॉन्स बहुत अच्छी आ रही हैं। आप लोग ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी समस्याएं आप कमेंट बॉक्स में बता रहे हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती है। जो भी समस्याएं मेरे बच्चे हैं जो बताते हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि समस्याएं वही बताते हैं जिनको समस्या होती है, और जो बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो समस्याएं कहाँ से आएगी। तो जो जिस बच्चे के समस्याएं हैं वो छोटी बड़ी, हम उनका सुनते हैं, जितना हमारा होता है उतना हम पूरा करते हैं। लेकिन जो बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है बाबू, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये वीडियो आप लोग के लिए बनाया जा रहा है, ताकि आप लोग कहीं भी रहें आप लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे अंजाम दें। ठीक है बच्चों, तो आप लोग को वीडियो नंबर 4 आप लोग को मिल चुका है। आज आपको वीडियो नंबर 5 देने वाले हैं हम। ठीक है बच्चों, और एक्सरसाइज आपका वही रहेगा, 3.3 यूनिट 3 रहेगा, और आपका चैप्टर है दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म। ठीक है बच्चों, ये जो सवाल है बाबू, इसमें काफी इजी सवाल है। इसमें से एक वो क्वेश्चन पूछता है 4 नंबर या 5 नंबर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम सवाल की तरफ निकलते हैं यथाशीघ्र, और जो भी आपको समस्या होती है आप कमेंट्स बॉक्स में बताया करिए। हम जितना हमें हो सके आपकी कमेंट्स की जो भी छोटी बड़ी समस्याएं हैं हम जरूर सुनेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। कह रहा है कि निम्न रेखीय समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। किस विधि से हल करने का है बाबू? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। क्या हम आपको बताया गया था वीडियो नंबर वन में आपको हम एक्चुअली बताए थे कि दो चर वाले रेखीय समीकरण को बनाने के लिए मुख्यतः दो विधियां होती हैं। एक विधि का नाम है आपका ग्राफीय विधि, और दूसरे विधि का नाम है आपका बीजगणितीय विधि। ठीक है बच्चों, तो ग्राफीय विधि के माध्यम से आप लोगों को वीडियो नंबर 3 और 4 आपको दे दिया गया, लेकिन आज बीजगणितीय के आधार पर आपको एक पहला विधि पढ़ने जा रहे हैं आप लोग, जिसका नाम प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि एक्चुअली ज़्यादा भारी नहीं है, बस बच्चों का मेंटलिटी है कि वह क्या समझ रहे हैं उस चीज़ को। जब तक उसको आप अच्छे से देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तो आपको समझ में आएगा ही नहीं। आप लोग सवाल देखते, मतलब आप अपने आप को ही ऐसे नर्वस मतलब कर लेते हैं कि लगता है कि वो बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा बच्चे? अवश्य बनेगा। आप लोग थोड़ा सा अपने कंसेप्ट को आप लोग थोड़ा सा मतलब उसमें सक्रियता लाइए, शायद कहीं समझ में आ जाए। और जो व्यक्ति चाहता ही नहीं है समझने के लिए, तो उसको भगवान भी नहीं समझा पाएंगे। हम तो भाई एक शिक्षक हैं। ठीक है बच्चों, चलिए सवाल यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, किस विधि से बनाना है बाबू? प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर सवाल हमारा यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा। x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। ये समीकरण हमारा 1 होगा, ये समीकरण कितना होगा? 2 होगा। सॉल्व करेंगे, यहाँ से लिखेंगे बाबू, यहाँ पे समीकरण 1 से क्या लिखें बाबू? समीकरण 1 से एक कितना है बाबू? x प्लस वाई बराबर 14। ये देखो बाबू, यहाँ पे ये प्लस में क्या बताते हैं, प्लस में y इधर आएगा तो माइनस में होगा। इतना कर पाएंगे? प्लस में था इधर ले आया, माइनस में छोड़ दीजिएगा। अब उसके बाद क्या करें, समीकरण 2 पर ध्यान दीजिएगा। समीकरण 2 से समीकरण 2 हमारा कितना है?
एक्स माइनस वाई बराबर चार। लिखेंगे यहाँ पे ये समीकरण हमारा कितना है, दो है। लिखेंगे समीकरण दो में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक्स का वैल्यू, एक्स का मान रखने पर, तो यहाँ पे जो समीकरण दो है एक्स माइनस वाई बराबर चार, उसमें आप एक्स का मान रखेंगे, तो एक्स जो आप क्या रखेंगे, चौदह माइनस वाई, यही एक्स का वैल्यू है चौदह माइनस वाई, इसके जवाब रख देंगे। उसके बाद कितना, माइनस वाई बराबर चार, चौदह माइनस वाई बराबर चार, माइनस वाई मिलाकर कितना होगा, माइनस टू वाई बराबर चार, ये प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, आप माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा, ये घटेगा तो कितना होगा दस, और ये कितना होगा वाई, कटाएंगे तो कितना मर्द कट जाएगा पाँच मर्द में, ये कितना हो जाएगा, ये आपका मान हो गया वाई का। अब यहाँ लिखेंगे वाई का मान समी, वाई का मान एक्स में रखने पर, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा एक्स बराबर चौदह माइनस वाई, एक्स बराबर चौदह माइनस वाई का मान यहाँ कितना है पाँच, एक्स बराबर चौदह में से पाँच निकाल दो कितना हो जाएगा नौ। लिखेंगे यहाँ पे हल, एक्स बराबर नौ, वाई बराबर कितना होगा पाँच, और ये क्या हो जाएगा आंसर। क्या हुआ आप लोगों को समझ में आया, बिल्कुल ईजी था, बहुत ही आसान था, एक बार आप लोगों को ध्यान तो देनी पड़ेगी और उसके बाद समझ में आ जाएगा। चलिए एक बार हम ध्यान देते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये समीकरण एक है और ये समीकरण आपका दो है, ठीक है बच्चों। तो जब इसको बनाएंगे आप लोग तो लिखेंगे समीकरण एक से, पहले हम यहाँ शुरुआत करेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से जब शुरुआत करेंगे तो समीकरण आपके एक है तो यहाँ पर लिख देंगे, और इसमें कभी वाई को पहले बाहर निकाल लेंगे, जरूरी नहीं होता है कि वाई, आप एक्स भी निकाल सकते हो, वाई भी निकाल सकते हो, लेकिन हम आपको वाई निकाल के ही बता दिया, और जब वाई प्लस में था इधर आया तो माइनस में, और लिख कर इसको क्या करिएगा छोड़ दीजिएगा। अब लिखेंगे समीकरण दो, लिख देंगे समीकरण दो से, समीकरण दो यही है ना, अब लिखेंगे यहाँ ऊपर समीकरण दो में एक्स का मान रखने पर, क्या यहाँ पे एक्स का जो वैल्यू चौदह माइनस वाई, क्या हम इस चीज़ को यहाँ पर रखने वाले हैं, देखो तो एक्स माइनस वाई बराबर चार, ये समीकरण दो है, यहाँ पर लिख देंगे, और एक्स के जगह पर वाई माइनस चौदह माइनस वाई हम रख देंगे, ये माइनस वाई जे होते हो और चार जे होते हो, इस कोष्ट को हटाएंगे तो चौदह माइनस वाई माइनस चार वाई बराबर चार, माइनस वाई माइनस वाई माइनस टू वाई, ये जे होते हैं उतार देंगे, ये प्लस में चार इधर आएगा तो माइनस में, ये माइनस टू वाई इधर आएगा तो प्लस में टू वाई, चौदह में से चार जाए कितना होगा दस हो जाएगा, और ये टू वाई जे होते हैं, दो में दस से भाग करके पाँच मत कटेगा, दो पचे दस, वाई का मान कितना होगा पाँच, यहाँ तो y का मान आ गया। अब लिखेंगे यहाँ पे y का मान x में रखने पर, जब इसमें रखेंगे तो क्या होगा x बराबर चौदह माइनस वाई, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेके चले जाएंगे हम लोग, x जमते हैं चौदह भी जमते हैं, और y का मान जो आया था पाँच हम उठाकर यहाँ रख देंगे, और चौदह में से पाँच निकाल दें कितना होगा नौ, तो हल क्या होगा बाबू, x बराबर नौ वाई बराबर पाँच, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम चलते हैं जस्ट आगे, चलिए बच्चों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, अब चलते हैं सेकंड सवाल पे, यह ध्यान दीजिएगा ये सवाल आपका है नंबर टू, यहाँ आपका रहा है एस माइनस टी बराबर थ्री, और यस बटा थ्री प्लस टी बटा टू बराबर छः, यहाँ पर तीन और दो का लघुत्तम ले लीजिए कितना होगा छः, तीन दूना तीन में छः से भाग करके दो मर्द कटेगा, और दो में छः यस में गुणा करेंगे कितना होगा दो यस, प्लस दो तिहाई तीन में टी से थ्री टी बराबर कितना होगा छः, क्रॉस गुणा करेंगे तो दो एस प्लस थ्री टी बराबर छः, छः के ये समीकरण कितना होगा दो जाएगा। लिखेंगे यहाँ पे समीकरण एक एवं दो से, एक कितना है एस माइनस टी बराबर थ्री, और टू एस प्लस थ्री टी बराबर छत्तीस, लिखेंगे यहाँ पे
समीकरण एक से, ये कितना बाबू यस माइनस टी बराबर थ्री, ये माइनस में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यस बराबर प्लस टी। अब लेंगे यहाँ पे समीकरण दो से, समीकरण दो, यहाँ पर समीकरण दो, समीकरण दो में, दो में एस का मान रखने पर, रखने पर समीकरण दो कितना होगा यहाँ पे टू एस थ्री टी छत्तीस, थ्री प्लस टी यहाँ लिखेंगे टू इंटू थ्री प्लस टी प्लस बराबर कितना होगा छत्तीस, तीन दूना छ टू टी थ्री टी छत्तीस, उसके बाद यहाँ पे दो टी और तीन टी मिला के पाँच टी, यहाँ पे होगा छत्तीस, प्लस में छ इधर आएगा तो माइनस में, पाँच टी बराबर कितना होगा तीस, पाँच छके टी का मान आ गया कितना छ। अब लेंगे यहाँ पे टी का मान, टी का मान एस में रखने पर क्या है बाबू, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एस जो है बराबर कितना है तीन प्लस टी, यस बराबर तीन प्लस टी, यस बराबर तीन प्लस टी का मान कितना है छ, एस बराबर छ तीन कितना होगा नौ, तो यहाँ लिखेंगे हल यस बराबर कितना होगा नौ और टी बराबर कितना होगा छ, और ये क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, इजी है, बहुत इजी है, आप इसको क्या करिए स्क्रीनशॉट लीजिए और सेम इसी पर ये बन जाएगा, सेम इसी पर ये बन जाएगा। ठीक है बच्चों, और ये भी इसी बन जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर बता रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान दीजिए, ये तो बना लेंगे आप लोग, इसको बता रहे ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा, यहाँ देखो 0.2x प्लस 0.3y बराबर 13, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, और यहाँ भी ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे समीकरण एक से, कितना नंबर सवाल है बाबू चार नंबर, समीकरण एक से ये कितना हमारा 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, ये चेंज करेंगे दशमलव में, x ये चेंज करेंगे 10, y बराबर 13/10, लघुत्तम लेंगे 10 हो जाएगा 2x प्लस ऊपर वाला, यदि किसी भिन्न का हर समान होगा अंश का मान ज्यों त्यों उतार देते हैं, ये उतार दीजिए 13/10, इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा, 2x प्लस 3y बराबर कितना होगा 13, ये समीकरण कितना होगा 3, फिर उसके बाद समीकरण दो ले लेंगे, ये समीकरण एक है और ये समीकरण दो है, लिखेंगे यहाँ पे समीकरण दो से, ये कितना है 0.4x 0.5y अब बराबर कितना 2.3, 4/10x 5/10y बटा 10, लघुत्तम लेंगे यहाँ पे, लघुत्तम लेंगे यहाँ पे 10 होगा, 10 करने 10 4x 5y बराबर 23/10, इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो 4x प्लस 5y बराबर 23, इससे बट कितना हो जाएगा 4। तो क्या यहाँ पे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा का समीकरण तीन एवं चार से, समीकरण तीन हमारा कितना होगा 2x प्लस 3y बराबर कितना होगा 13, ये समीकरण कितना होगा 3, 4x 5y 23, समीकरण कितना होगा 4। अब आप बताइए क्या ये सवाल को इस विधि पे आप लोग बना नहीं पाएंगे, क्या आप लोग इस सवाल को इस विधि पे नहीं बना पाएंगे, बना लेंगे कि नहीं, सेम टू सेम वही कहानी इसमें है, तो आप इसको क्या करेंगे यहाँ पे आसानी से इसको क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, नहीं तो कह दीजिए तो हम यहाँ बगल में बना ही देते हैं, आप फिर स्क्रीनशॉट निकालिए फटाफट पहले। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम इसका सॉल्व कर ही देते हैं,
अभी आप लोग सामने ये वाले पार्ट को ये देखें, समीकरण ये तीन होगा, ये समीकरण चार होगा, लेकिन यहाँ पे समीकरण तीन एवं चार से ठीक है। समीकरण तीन कितना हमारा 2x प्लस 3y बराबर कितना होगा 13, और समीकरण चार कितना है 4x प्लस 5y बराबर कितना है 23, समीकरण कितना होगा 4। चलिए लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे यहाँ पे समीकरण तीन से कितना है 2x प्लस 3y बराबर 13, तो हमने बताया प्लस में चलेगा तो माइनस में होगा, 2x बराबर 13 माइनस 3y, तो x बराबर 13 माइनस 3y बट्टा कितना हो जाएगा 2, ठीक है ये चीज़ छोड़ दीजिए। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे समीकरण समीकरण चार में, समीकरण चार में x का मान रखने पर, समीकरण चार कितना हमारा यहाँ पे 4x प्लस 5y बराबर 23, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 4 इंटू एक्स का जो वैल्यू, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये यहाँ पर हम रखने वाले हैं 13 माइनस 3y बट्टा कितना होगा 2 प्लस 5y बराबर 23, 2 से कटाएंगे कितना मतलब कट जाएगा 2 इंटू 13 माइनस 3y प्लस 5y बराबर कितना 23, 13 दूनी 26, 3 दूना 6y प्लस 5y बराबर 23, माइनस 6 में से 5 प्लस 5 निकलेगा तो माइनस वाई बराबर कितना होगा 23, इस माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 26 और प्लस में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, और ये वाई, इसलिए वाई बराबर घटेगा तो कितना होगा 3, तो यहाँ किसका मान आ गया वाई का मान आ गया। लिखेंगे यहाँ पे वाई का मान एक्स में क्या करने पर बाबू रखने पर, ये आपका x का जो वैल्यू होगा 13 माइनस 3y बट्टा 2, तो x बराबर 13 माइनस 3 गुणे y का मान कितना होगा 3 बट्टा 2, x बराबर 13 माइनस 3 तरीका 9 बट्टा कितना होगा 2, x बराबर 13 में से 9 निकाल दोगे तो कितना हो जाएगा 4, अब बट्टा कितना होगा 2, इसे कटाएंगे कितना मत कट जाएगा 2, x बराबर भी कितना हो गया 2, तब बताइए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे हल, तो एक्स बराबर कितना 2, वाई बराबर कितना 3, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्या भारी रहा, बिल्कुल इजी रहा, इतना इजी कि हम आपको बता नहीं सकते कितना इजी है, बट आप अपना ध्यान बिल्कुल इस पर रखिएगा, अगर आप समझ लीजिए कि लोग कहावत कहते हैं कि सावधानियाँ हटी दुर्घटना घटी, तो आप अपना सावधानियाँ एकदम बरतनी है, और सावधानियाँ बरतते हुए तब आपको पढ़ाई करना है, ठीक है बच्चों। चलिए आप इसके ऐसी शॉट लीजिए, हम नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। चलिए बच्चों, आप लोगों ने इसके ऐसी शॉट ले लिया, फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं हुई, मस्त। चलिए बच्चों, हम 4-5 नंबर सवाल पर ध्यान देते हैं, क्या कह रहा है, ये सवाल हो चुका है, ये भी सवाल हो चुका है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और पांचवा नंबर रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर 0, रूट 3x रूट 8y बराबर 0, ठीक है बच्चों। तो समीकरण 1 एवं 2 से फिर पुनः वही, बस इसमें थोड़ी सी हमको लगता है कि बच्चे रूट देखकर डर जाएंगे, अरे बाबा डरना क्यों, डरना क्यों, क्यों डरना, हम नहीं डरेंगे भाई, सवाल देख क्यों डरते हैं बाबू, कोनो कोका काट के खा जाई, हाँ ध्यान दे लो। समीकरण ये हमारा 1 और समीकरण 2 लिखेंगे यहाँ पे पार्टनर, समीकरण 1 से एकदम ध्यान देना है पार्टनर, बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि ये रूट में है
और आप डर जाओगे रूट देखकर, लेकिन हम आपको वादा करते हैं डरने नहीं देंगे, एकदम वादा करते हैं बिल्कुल डरने नहीं देंगे। ध्यान दीजिए एकदम, देखो यहाँ पे समीकरण दो, रूट दो एक्स प्लस रूट थ्री वाई बराबर जीरो, तो रूट दो एक्स ये प्लस में इधर आएगा, किस में होगा माइनस में हो जाएंगे, इसलिए एक्स बराबर रूट थ्री वाई बट्टा रूट दो और ये कितना होगा माइनस, ये एक्स का वैल्यू हो चुका है। अब आगे बढ़ेंगे बच्चे समीकरण दो में किसका मान रखने पर एक्स का, किसका मान पार्टनर बोलिए, किसका मान एक्स का मान, एक्स का मान रखने पर पार्टनर ये ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पर रूट थ्री एक्स माइनस रूट आठ वाई बराबर जीरो। अब चलिए मान रखते हैं यहाँ पे रूट थ्री इंटू एक्स का वैल्यू माइनस रूट थ्री वाई बट्टा कितना रूट दो माइनस रूट आठ वाई बराबर जीरो। अब तीन तरीका नौ बरमूल कितना होगा, तीन हो जाएगा, कितना होगा बच्चे तीन वाई, और यहाँ कितना होगा रूट दो माइनस रूट आठ वाई बराबर जीरो। यहाँ भी वाई कमन कर लीजिए, यहाँ पे क्या कर लेते हैं माइनस वाई कमन कर लेते हैं, बिल्कुल माइनस वाई कमन करेंगे तो तीन बट्टा रूट दो माइनस रूट आठ माइनस माइनस बराबर जीरो, माइनस वाई बराबर जीरो में ये सारे चीज़ों को बट्टा में चल जाएंगे तो तीन बट्टा दो रूट प्लस रूट आठ। तो आप बताइए क्या इसको भी माइनस को भी ले चलिए, यहाँ माइनस को भी ले आते हैं, इस माइनस को भी लेके जाइए, तो अब इस संख्या से जीरो में भाग करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, वाई का मान क्या होगा जीरो हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे वाई का मान एक्स में क्या करने पर बाबू रखने पर, क्या यहाँ पे एक्स का मान है, हाँ एक्स बराबर माइनस रूट थ्री वाई बट्टा कितना होगा रूट दो। ठीक है पार्टनर, डर तो नहीं लग रहा है ना, बिल्कुल एकदम मजे से पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और जो भी दिक्कत होगा तो है ना हमारा कमेंट बॉक्स, वहाँ पे अपनी सारी समस्याएं बोल डालेंगे, अब बिल्कुल सारी समस्याएं कर डालेंगे, और सर तो है ही हैं सारी समस्याएं सुनने के लिए, तो बिल्कुल डरना नहीं है, एकदम डाग डिफायर करते हुए निकल जाना है कारगिल में लड़ाई के लिए। रूट थ्री गुड़े वाई का मान यहाँ क्या होगा जीरो, क्योंकि वाई का मान यहाँ कितना है जीरो, और रूट दो एक्स बराबर जीरो में किसी संख्या से गुणा करने पर आंसर क्या होता है जीरो, रूट दो इससे भाग करेंगे इसका मान भी क्या हो जाएगा जीरो, एक्स का मान जीरो वाई का मान भी जीरो। तो हम क्या लिखेंगे बाबू, हल एक्स बराबर जीरो वाई बराबर जीरो, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सवाल को सिंपल तरीका से बनाकर सिंपल सा आंसर ला दिए। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट सवाल पे, आपका अगला सवाल 6 नंबर है, हम उसको सॉल्व करते हैं, आप इसका प्यारा सा पिक निकालिए फटाफट। तो पूरा मतलब क्लीन दिखा होता है, कमेंट्स बहुत होता है सर, साफ नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए आप लेसन शॉट ले लिया, और हम पहला का 6 नंबर सवाल अंतिम सवाल उसका ध्यान देंगे। यहाँ पे कुछ बच्चे इस सवाल को भी देख के डर जाएंगे बाबू, बिल्कुल डरेंगे कि सर बट्टा में है, हम तो डर ही जाएंगे सर, अरे बाबू तुम्हारे जेके सर को रहते तुमको डर लग जाएगा भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता है, वो भी मैथ के मतलब सब्जेक्ट में, ऐसा बात नहीं बाबू। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपका माइनस में है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये भी क्या होगा माइनस में होगा, और एक्स और कितना, ये समीकरण हमारा, इसको पहले एक एक बनाते चलते हैं, नहीं बच्चे एक एक बनाते चलते हैं। यहाँ पर ध्यान दो, एक्स बट्टा तीन प्लस वाई बट्टा दो
बराबर 13/6। ठीक है बाबू, चलिए देखें यहाँ पे इसको लिखें 3x/2 -5y/3 बराबर -2। लघुत्तम लेंगे इसका कितना होगा 6, 2 3 3 3 × 5 × क्रॉस गुणा करेंगे यहाँ से तो 9x-10y बराबर 6 × 12। ठीक है बच्चों, ये हमारा समीकरण एक, ये समीकरण एक। अगला हमारा कितना होगा x/3 + y/2 बराबर 13/6। लघुत्तम लेंगे यहाँ पे, यहाँ पर 3 × 2 = 6 होगा, 3 × 2 = 2x, 2 × 3 = 3y और 13/6 इसे एक हो जाए कट जाएगा, 2x + 3y बराबर कितना होगा 13, समीकरण कितना होगा 2 होगा। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल तरीका से समीकरण एक एवं 2 से समीकरण कितना होगा 9x-10y बराबर 12, उसके बाद 2x + 3y बराबर 13, समीकरण एक और ये हो गया 2। समीकरण एक से कितना है बाबू, समीकरण एक 9x-10y बराबर -12, माइनस मेरा प्लस में हो जाएगा तो 9x = 10y और -12, इसलिए x = 10y - 12 कितना होगा 9। अब लेंगे यहाँ पे समीकरण दो, समीकरण दो में x का मान रखने पर समीकरण दो कितना है बाबू, ये हमारा समीकरण दो है 2x + 3y 13, तो 2x का वैल्यू यहाँ पर होगा 10y 12/9 + 3y = 13, 10 × 20y 12 × 24 कितना होगा 9 + 3y/1 बराबर कितना होगा 13, कितना होगा बच्चे 13। ठीक है आगे बढ़ेंगे हम लोग, 9 का लघुत्तम लेंगे कितना होगा यहाँ पे 9 हो जाएगा, 9 × 9 तो 20y - 24y ठीक है प्लस, सॉरी यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं 9 ठीक है प्लस, ये एक में 9 से भाग करके 9 मत में 9 × 3 कितनी होगी 27y बराबर कितना होगा 13। ठीक है तो 27 × 20 कितना होगा बाबू 47 हो जाएगा, -20 बराबर और यहाँ पे होगा कितना 13 × 117। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, सही जा रहा है क्या, सही जा रहा है ठीक है, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में होगा 47y = 117 + 20 47y = ये कितना होगा 7 × 3 = 1 ठीक है बाबू। अब ये कितना मर्द में जाएगा, ठीक है 1, तो अब क्या करेंगे बाबू 20 और 27 जोड़ेंगे तो 47y और -24 बराबर कितना होगा 13 × 117, 47y = 117 माइनस में रहेगा तो प्लस में कितना होगा 24 होगा, 47y = जोड़ेंगे तो कितना होगा 141, 7 × 1 = 1, 7 × 11 = 1, 2 × 3 = 4, 1 = 1 इसको टाइम कितना मर्द में 3 मर्द में कट जाएगा, y बराबर कितना होगा 3। ठीक है बाबू, तब यह y का मान हम किस में रखेंगे x में रखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे y का मान x में रखने पर, ठीक है कितना है यहाँ पे x = 10y - 12/9 x = 10 × 3 - 12/9 x = 10 × 30
30 माइनस 12 बटा 9 घटेगा, 30 में से 12 जाएगा तो कितना होगा 18 बटा 9, 9 दूनी 18, एक्स का जो वैल्यू हो कितना होगा 2, एक्स का वैल्यू 2 आ गया, वाई का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। लेकिन यहाँ पे हल एक्स बराबर 2 वाई बराबर 3 और ये क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, तो आप इसका ऐसे शॉर्ट लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे फटाफट ऐसे शॉर्ट लीजिए, तो बगल में खड़े हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं बाबू, बेहतर सवाल, बहुत ही बेहतर सवाल है ये। इसमें आपको यार मतलब यम का मान निकालना है, ये समीकरण दिया हुआ है, इसको पहले हल कीजिए, पहले क्या करना है हल करना है, क्या करना बच्चे हो हल करना है, सॉल्व करेंगे यहाँ से, बिल्कुल ईजी, वही डायलॉग, वही फिल्म, वही हीरो और वही अभिनेत्री, बस इसमें जो है स्क्रिप्ट चेंज हो गया है। क्या स्क्रिप्ट चेंज हुआ है कि इसमें यम का मान निकालना है, लेकिन पहले जो हीरो हीरोइंस थे वो तो है ना, ये तो है ना, ये देखिए तो ये हीरो हीरोइन है कि नहीं है। अरे भाई जो स्क्रिप्ट में जो नया चीज़ आया है वो तो यम का मान निकालना है। अरे बांगड़ू काहे ले टेंशन ले रहे हो, ये देखो एकदम लॉलीपॉप बनाते हैं इसको, देखो कैसे 2x प्लस 3y बराबर 11 और ये हो गया आपका 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, ये आपका समीकरण एक, ये समीकरण दो, लिखोगे बाबू समीकरण एक से, क्या लिखेंगे बच्चे एक से 2x प्लस 3y बराबर 11। अब चलिए ये प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में होगा, 2x बराबर 11 माइनस 3y, इसलिए x बराबर 11 माइनस 3y बट्टा कितना होगा 2। क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, बस वही है सब, बस वही है। अब चलते हैं आगे, लिखेंगे यहाँ पे समीकरण दो में x का मान रखने पर, तो बाबू बताइए तो यहाँ पे जो मान रखा गया है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, यहाँ से 2 कमन कर लीजिए, अब बराबर माइनस 24 होगा, कटाएंगे इससे कितना मर्द कट जाएगा 12 मर्द कटेगा और ये माइनस 12, तो कहर क्या आ रहा है कि समीकरण दो में x का मान रखने पर, तो क्या समीकरण दो यही तो है और इसमें क्या रखना है x का वैल्यू, x का वैल्यू आपको तो यहाँ दिखाई दे रही होगी। चलिए यहाँ लिखते हैं 11 माइनस 3y बट्टा 2 माइनस 2y बराबर माइनस 12, नीचे 1 ले लीजिए, 1 2 का लघुत्तम कितना होगा 2, 2 एक अन्य 2 और इसमें 11 से गुणा करेंगे ये होगा 3y, 1 2 ना 2, 2 दूनी 4y अब बराबर माइनस 12, क्रॉस गुणा करेंगे तो माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7y और ये कितना है 11 और 12 दूनी 24, अभी देखो माइनस में उधर आएगा तो प्लस में, माइनस में उधर आएगा तो प्लस में, तो 11 प्लस कितना हो जाएगा 24 बराबर 7y, जोड़ेंगे तो कितना होगा वो ये होगा 35 बराबर 7y, कट जाएगा कितना मतलब कट जाएगा y बराबर कितना हो जाएगा 5, y बराबर कितना होगा बच्चे 5। चलिए ठीक है, y का मान समीकरण सॉरी y का मान x में क्या करने पर, अरे बोलो रे बांगड़ू क्या करने पर, x में रखने पर, x तुम्हारा यहाँ पर रखा है, लिखेंगे यहाँ पे x बराबर 11 माइनस 3y बट्टा कितना 2, x बराबर 11 माइनस 3 गुणे y का मान कितना है बाबू 5, यहाँ लिखिए फटाफट 2, x बराबर 11 माइनस 5 तरीका 15 बट्टा 2, घटाएंगे तो कितना होगा माइनस 4 बट्टा 2, 2 दूनी 2 दूनी 4, ये आपका x का वैल्यू आ गया, यहाँ y का वैल्यू आ गया। ठीक है बच्चों, अब आप चलते हैं प्रश्न से। ठीक है बच्चों, प्रश्न कह रहा है कि y का मान ज्ञात कीजिए जिसके y बराबर mx प्लस 3, y बराबर mx प्लस 3, तो बताइए y का मान कितना है 5, x का मान माइनस 2 और प्लस होगा 3,
तो पाँच बराबर गुणा करेंगे तो कितना होगा, दो में एम से दो एम प्लस कितना होगा तीन, ये माइनस में रहेगा तो प्लस में होगा, तीन प्लस में रहेगा तो माइनस में होगा, दो एम बराबर माइनस दो, दो से दो कट जाएगा, एम बराबर कितना होगा माइनस वन, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, हल यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हल जो है वो x का वैल्यू माइनस टू, y का वैल्यू पाँच। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए बस इतना रन देते हैं, मिलते हैं एक नए एनर्जी के साथ अगले वीडियो में, और पूरे अच्छे कंसेप्ट के साथ, बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ अगला जो वीडियो आएगा, वीडियो नंबर 6 में। जो भी आपको इस वीडियो में कमेंट्स करिएगा, बिल्कुल करिए कमेंट्स, जो भी समस्या होती है बिल्कुल हम समस्याओं को सुनेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना रन देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स, जय हिंद।